हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, एकदम सिंपल तरीके से और आसानी से बनने वाली, मसाले वाली बनाऊँगी, जिसमें है ना नॉर्मली मसाले होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मसाले सही नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैंने अरबी 500 ग्राम ली है और इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ अरबी को। मैं अरबी को साफ़ करने के बाद में अरबी मेरे पास आया थोड़ी, तो इसके साथ में मैं हरी मिर्च को भी अरबी और हरी मिर्च को मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैं अब मैं अरबी को काट रही हूँ। अरबी को आप बिना धोए काटना, नहीं तो हाथों से बहुत फिसलती है अरबी। इसके बाद में धोएंगे हम, काटने के बाद में धोएंगे अरबी को। और मैंने हरी मिर्च के बीज निकाले थे, तो हरी मिर्च को मैंने धो के ही बीज निकाले हैं। बाद में धोते हैं तो बहुत ज़्यादा झाल हो जाता है, मतलब तीखा हो जाता है, हाथों में भी जलन होता है। तो मैंने ना पहले ही धो लिया है हरी मिर्च को। अरबी को बराबर साइज़ में काटना है, छोटा बड़ा नहीं काटना है, नहीं तो ना छोटा बड़ा काटने से ना सही से ना पकेगी नहीं। तो ये देखो मैं पतले पतले स्लाइस काट रही हूँ, जैसे आलू काटते हैं ना उसी हिसाब से काट रही हूँ पतले पतले। अरबी को काटने के बाद में अब मैं दो बार पानी से धो लूँगी। दो पानी से धोने से अरबी के ऊपर जो कचरा चिपका हुआ होता है वो निकल जाएगा। अरबी और हरी मिर्च दोनों ही तैयार हो गए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो अब मैं गैस को चालू कर रही हूँ। आज मेरे पास लाइटर, मेरी वाली लाइटर थोड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं ना माचिस से ही जला रही हूँ गैस को। कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच है मेरे पास ये, और ये जब गर्म हो जाएगा तो मैं अब डाल रही हूँ इसमें राई एक चम्मच, और जीरा भी डालूँगी एक चम्मच, और अब थोड़ा सा हींग डाल देंगे। राई जीरा हींग तीनों चटक गए हैं, तो अब इसमें हरी मिर्च कटी हुई थी वो डाल रही हूँ मैं। तेल ज़्यादा गर्म है, हरी मिर्च को एक ही मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगी हरी मिर्च। तो इनको ना कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है, अच्छे से ऊपर नीचे करना है, नहीं तो ये हरी मिर्च तो पता है आपको जल ही जाती है। हरी मिर्च में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि एकदम सिंपल बना रही हूँ हरी मिर्च को। मैं केवल नमक डालूंगी उतारने के बाद में, पहले नहीं डालेंगे। पहले अभी इसी वक्त नमक डाल देंगे ना तो इस हरी मिर्चों पे तो लगेगी नहीं, और वो जो नमक होता है ना वो तेल में पीछे रह जाएगा। इसीलिए मैं अभी निकाल रही हूँ, और गर्म इसमें है ना, ये जब हरी मिर्च गर्म होती है ना तभी इसमें नमक लगाना है हमें। सभी हरी मिर्च को मैंने निकाल लिया है, और अब इसी में ही मैं जो अपनी अरबी है कटी हुई, उससे पहले मैं छोटी छोटी मैंने हरी मिर्च काटी थी साइड में, तो उनको मैं डालकर फिर बाद में अरबी डालूँगी। तो पहले ये डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर आएगा अरबी में, और अब मैं अरबी डाल रही हूँ।
अरबी को मिलाने से पहले इसमें दो चम्मच नमक डाल रही हूँ। दो चम्मच नमक डालने से अरबी को अच्छे से लग जाएगा और ये अरबी सॉफ्ट भी बनेगी मिलाने से। अरबी को खुले में मैंने 2-3 मिनट अच्छे ऐसे ही मिला मिला के ऊपर नीचे करके तेल में भूंद लिया अच्छे से। और अब मैं ढक्कन लगा के रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, लेकिन आपको बीच में चेक करना, अगर हाई फ्लेम होता है तो बार बार में चेक करना होता है, मीडियम लो फ्लेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चिपकेगी नहीं। अगर आप तेज़ रख रहे हो गैस को तो चिपक सकती है। अब हरी मिर्च के ऊपर मैं ऐसे ही नमक डाल रही हूँ क्योंकि ऐसे ही खाने से बहुत अच्छी लगी है लगती है हमें। तो नमक मैंने हाथों से ही डाला है, एकदम थोड़ा ही डाला है नमक। तो ये देखो तैयार हो गई हमारी हरी मिर्च खाने के लिए। मैं तो ना मतलब सब्जी खाती नहीं हूँ इसके सामने, हरी मिर्च होती है तो इसी से ही मैं रोटी खा लेती हूँ। तो जब तक हमारी अरबी है ना पक कर तैयार हो रही है बिना मसालों के, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ साइड में, क्योंकि टाइम हो गया है, बच्चों को भी भूख लगी है, पापा जी मम्मी जी को भी लगी है। तो मैं ना फटाफट से आटा लगा रही हूँ। आटा मैंने लगा लिया है और अपने हाथ भी धो रही हूँ अभी, और इसके बाद में चेक करेंगे हम अरबी को। तो अरबी को हम चेक कर रहे हैं अभी। देखो अरबी हमारी है ना 80 से 90% पक चुकी है और बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है दिखने में ही। अरबी को मिलाने से पहले मैं मसाले सभी डाल दूँगी। तो मैं ये 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। इन सभी को डालकर एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं अमचूर नहीं डाल रही हूँ और नहीं टमाटर डाल रही हूँ, एकदम सीधी सादी बना रही हूँ। अमचूर डालने से बच्चे ये सब्ज़ी खाते हैं नहीं, तो अमचूर नहीं डालूँगी मैं, ऐसे ही बना रही हूँ। एक बार आप इस तरह से बना कर देखना इस तरह ये सब्ज़ी, आपको खुद को बहुत पसंद आएगी, एकदम मस्त लगती है खाने में। गैस को धीमी आंच पे रखना है, तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अभी देखो ये चिपकी भी नहीं है, हमें हरी कड़ी एकदम साफ दिख रही है नीचे से, और मसाले भी ऊपर नीचे कर रही हूँ। और ये अरबी हमारी पक चुकी है, 1 मिनट ढक्कन लगा के रख देंगी और फिर गैस को बंद कर देंगी।
और इधर हमारी है ना रोटी बनाने की भी तैयारी हो रही है, तो ये सब्जी बन गई है। उस वाले गैस पे मैंने अरबी को रख दिया और इस वाले गैस बड़े वाले गैस पे मैं रोटी बनाना चालू कर दिया। तवा मेरा गर्म हो गया और रोटी भी अब बना रही हूँ मैं। फटाफट से बनानी होगी क्योंकि सभी को भूख लगी है और सभी को खाना भी डालना है। ये पहली रोटी है, ये पहली रोटी मैं गाय के लिए रखती हूँ। तो ये देखो मैंने गाय के लिए रोटी बनाई है पहली रोटी, और अब दूसरी रोटी डाल रही हूँ। तो चलिए रोटियां तो मैंने सभी बना ली है। अब रोटियों पर एक बार मैं घी लगा रही हूँ, तो रोटियों पर घी लगा लगा कि मुझे फोल्ड करके रखनी होती है। टिफ़िन मेरा रोटी वाला थोड़ा छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ता है टिफ़िन में। और इधर मैं बच्चों को कह रही हूँ खाना खा लो और दादाजी को भी बोल दो खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पापा जी का खाना लगा रही हूँ, मेरे ससुर जी का, तो उनके लिए मैं खाना लगा रही हूँ पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।